आजकल जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं या फिर मिड रेंज में भी जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं, उनकी मार्केटिंग में आपको ये बात जरूर सुनने को मिलेगी कि 5G कैपेबल है या फिर 5G रेडी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके लिए 5G अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। खैर ये तो बात की बात रही, लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेट पर आप कई जगह पर देख सकते हो कि 5G हम बहुत जल्दी यूज़ करने वाले हैं, ऐसा 2019 से चल रहा है। लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं कहता कि हाँ 2020 के अंत तक या फिर 2022 में हम कंफर्म 5G यूज़ करने ही वाले हैं। 5G एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैं नहीं कहता, 5G एग्जिस्ट करता है और हमारी इंडिया में नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रियों में वो डेमो के तौर पर लोग यूज़ कर रहे हैं, रियली है ये यूज़र है उसको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन इंडिया में कब तक आएगा ये भी अभी तक हमको नहीं पता। इसके अलावा 5G आएगा तो सबसे बड़ा खतरा इंसानियत को होगा, उसके रेडिएशन से इंसान के DNA एकदम बिगड़ जाएगी। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको आग लगेगी, तो भाई साहब सिर्फ 5G की वजह से। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, सो अंत तक देखना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो ज़्यादा तो नहीं करते हो, लेट्स गेट टू द वीडियो। आई एम हर्ष फ्रॉम टेक्निकमा। स्मार्टफोन 5G कैपेबल है कि नहीं, हमें इंडिया में कब तक 5G देखने को मिलेगा, या फिर उनके फ़ायदे या फिर नुकसान क्या है, ये सारी बातें जानने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि आखिर 5G क्या है। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि 5G यानी 5 GHz फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वैसे पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मित्रों मैं आपको बताएगा कि क्या है एक्चुअल में 5G। 5G यानी कि 5th generation ऑफ नेटवर्क, 1G, 2G, 3G और 4G जो कि हम हाल में यूज़ कर रहे हैं LTE, उसके बाद जब हम नेटवर्किंग में आते हैं तब आएगा 5G, जिसको किसी एक आदमी या फिर एक कंपनी ने नहीं डेवलप किया, उसको बनाने के पीछे बहुत सारी कंपनियों का हाथ है। जो मोबाइल इकोसिस्टम है नेटवर्किंग वाला, उसमें जितनी भी कंपनियाँ आती है, क्वालकॉम, हुआवी ले लो या फिर नोकिया, जो भी अपना हाथ उसमें लगाती है, उन सभी ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है क्वालकॉम का। इसलिए कई जगहों पे ये भी रूमर बीच में रहता है कि क्वालकॉम ने 5G निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाल में 5G दो बैंडविड्थ पे काम कर रहा है, एक है सब 6 GHz और एक है मिलीमीटर वेव। और यहाँ पे 4G जो कि हम यूज़ करते हैं उसमें हम 800 MHz से 1900 MHz तक की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ 5G में जो सब 6 GHz वाली टेक्नोलॉजी है उसमें हम यूज़ करेंगे बिलो 6 GHz, और जो मिलीमीटर वेव है उसमें हम यूज़ करेंगे 28 GHz तक की। और जब ये पता चला कि मिलीमीटर में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी है 28 GHz, तब भाई साहब बवाल हो गया, जितने भी बुद्धिजीव थे वो सारे उस पर टिप्पणी देने लग गए। और ये तभी 5G को इंसानियत के लिए खतरा, DNA स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये बताने लगी। इसी के साथ अभी अभी तो ये भी रिपोर्ट आया कि जो कोरोना आया है ना, उसे भी वो लोग 5G टेस्टिंग का ही नतीजा बता रहे थे। तो इन सब बातों के लिए तो मेरे पास एक ही जवाब है, नहीं, नो। अभी इस चीज़ को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना ज़रूरी है। ये थोड़ी बात टेक्निकल पे निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे आसपास जो भी आज तक मानव जाति यूज़ कर रही है, या कोई भी ले लो आप, एक्सरे ले लो, गामा रे ले लो, जो सन की रेज आती है वो, उन सारी चीज़ों की जो हमारे आसपास है अभी एग्जिस्ट करती है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आती है और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी रहती है, उसका एक बेसिकली डायग्राम होता है जिसपे हम देखेंगे यहाँ पे कि 5G कहाँ पे स्टैंड करता है। और इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि 5G कितना नुकसानकारक है और कितना फ़ायदे में है। जैसे कि हमें पता है 5G की जो मिलीमीटर वेव है वो रहेगी 28 GHz तक, यानी कि इस जगह पे आएगी, और इससे थोड़ी ही दूर आगे हमें देखने को मिलती है विजिबल लाइट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 430 THz से लेके 770 THz तक। मतलब समझ सकते हो जो GHz है, 5G अभी हाल में सिर्फ GHz पे स्टैंड करता है, और जो लाइट की जो विजिबल लाइट आती है सन से, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 430 से 770 THz तक। समझ सकते हो 5G में GHz यूज होने वाला है, ना कि THz। इनफैक्ट UV टाइप ए और टाइप बी वो भी हमको अभी तक नुकसान नहीं कर पाती, नुकसान करती है UV टाइप सी जो कि स्टार्ट होती है 1000 THz के बाद। 1000 THz समझ सकते हो, मतलब जिसके बाद आता है एक्सरे, गामा रे, जिसको हम यूज़ करते हैं इंसानों पे, और जो रियली नुकसानकारक है अगर हमें ऐसे ही लग जाए या फिर हम इसके संपर्क में आ जाए तो।
अभी कुछ बुद्धिजीवी लोगों को गीगाहर्ट्ज में भी प्रॉब्लम है, तो भाई साहब ये सूरज की जो गर्मी आती है, जो रेज आते हैं, उससे अभी तक पूरी की पूरी मानव जाति को खत्म हो जाना चाहिए था। अभी तक तो हमारा डीएनए एकदम बराबर काम कर रहा है, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हमें दिखाई दे रही ना। तो अभी भी आप थोड़ा सा इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हो, कन्विंस हुए कि नहीं? नहीं नहीं, तो चलिए आगे समझाता हूँ। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 30 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ को हिट कर सकती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी भी अंदर आ जाते हैं। अगर आपकी मौत फ्रीक्वेंसी से नहीं होती तो जो हीटिंग उससे पैदा होती है उससे ज़रूर हो सकती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 4G जो कि ऑलरेडी 800 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर काम कर रहा है, तो 5G में तो ये तकलीफ होगी, आप कई लोग ऐसा भी सोच रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो भी फ्रीक्वेंसी टेलीकॉम कंपनियाँ यूज़ करती है वो आयोनाइज नहीं होती है। आयोनाइजेशन ही ये कारण है, जो हीटिंग पैदा करता है वो आयोनाइजेशन की वजह से ही होता है। आयोनाइजेशन में बेसिकली एक फोटोन पार्टिकल्स होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार रहता है। फोटोन पार्टिकल्स दूसरे एटम के साथ मिलके हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपको हीटिंग फील होती है। लेकिन जितनी भी फ्रीक्वेंसी टेलीकॉम कंपनियों में यूज़ होती है या फिर ऐसे रेडिएशन में यूज़ होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, उसमें आयोनाइजेशन जो फोटोन जो एनर्जी है उसको जितना हो सके उतना लो रखा जाता है, जिससे कि जो एनवायरमेंट है या फिर ह्यूमन बॉडी पे उसका इम्पैक्ट कम हो सके या फिर एकदम भी ना हो। और ऐसे में आपके मन में सवाल ये भी होता है कि क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी में जो आयोनाइजेशन है वो अवेलेबल हो और फोटोन की वैल्यू ज़्यादा हो, तो 5G कम्युनिकेशन डेफिनेटली हमको नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो रेटिंग या फिर पैरामीटर्स फिक्स किए हैं उसके चलते हुए इससे नुकसान होने की संभावना 0.00000% है। और मैं इससे सिंपल वे में नहीं समझा सकता, अगर आपको पता चल गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी इंडिया पे इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा जो हम डेटा यूज़ करते हैं उसकी प्राइसिंग पे, क्योंकि अभी हाल में 4G का प्राइस जो हम पे कर रहे हैं, इसके बाद 5G में प्राइस ये तो नहीं रहेगा ना। जब 3G आया था तब 4G आया उसके बाद, तो पहले तो जियो ने भी फ्री दिया था, फिर अभी वसूल भी कर रहे हैं ना हमारे पास, हमको पहले लत लगाई फिर क्या वसूल कर रहा है। और अभी तो सारी कंपनियां भी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, जियो के आने से फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक है वो भी हम दिखाई दे रहे हैं, उससे भी हम मना नहीं कर सकते। वैसे ही जब 5G आएगा तो फ़ायदे भी इतने ही ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके लिए भी हमें एक कीमत पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जितने भी डिवाइसेस होंगे उसको भी अभी हम IoT सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि 4G में अगर हम एक ही नेटवर्क पे कम से कम 1000 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, अभी तक मैं ऐसा अंदाजे से चल रहा हूँ, फिक्स जो नंबर है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। तो 5G में ये नंबर इनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा होगा, और जो कम्युनिकेशन रहेगी वो इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से होगी। इसका मतलब आपको जो लेटेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बहुत ही कम। माने कि अगर आप सोच लो कि 5G आ गया है, किसी डॉक्टर को रिमोटली किसी पेशेंट को एग्जामिनेट करना हो, हमें नॉर्मल यूज़र को ये पता लेटेंसी पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ऐसा कोई क्रिटिकल काम हो रहा है जिसमें एक सेकंड के एक हिस्से में भी जो भी मिलीमीटर होता है उसमें भी अगर फ़र्क पड़ सकता है, तो जो रिमोटली भी जो करना चाहते थे ऑपरेशन, पहले हम सोचते थे कि फ्यूचर में हम एक डॉक्टर अपनी जगह पर खड़ा रहे कि एक रिमोटली कहीं दूर दराज के इलाकों में भी ऑपरेशन कर सकता है रोबोटिक्स के थ्रू, लेकिन वो अब तक पॉसिबल इसी वजह से नहीं है। वो मे बी 5G के आने के बाद पॉसिबल हो भी जाएगा। अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहते हो तो जो भी गेमर लोग हो, वो पिंग जो आते हैं पबजी में और दूसरे कई गेम में जो पिंग आते हैं, अगर पिंग ये हाई रहती है तो आपको गेमिंग में एक्चुअल लेटेंसी देखने को मिलती है। मतलब कि आप कर तो रहे होते हैं लेकिन जो सर्वर पे है वो ठीक से काम नहीं करता। इससे क्या होता है, जो दो डिवाइस के बीच में टाइमिंग का डिफरेंस रहता है वो बढ़ जाता है, और लेटेंसी इससे कहते हैं जो कम होगी, यानी कि आप यहाँ पे एक बटन दबाएगा वहाँ पे मिलीमीटर के एकदम छोटे हिस्से में वहाँ पे एकदम लाइव में आप बटन दबा रहे हो, ऐसा होगा। दूसरी बात, स्मार्टफोन की प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी इसी के साथ साथ, क्योंकि इसमें जो 5G वाला मॉडम यूज़ होगा, जो भी इसके कैपेबल है 5G प्रोसेसर यूज होगा, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और हाँ, आगे चलते चलते वो भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हाल में जब
सब लोग 4G यूज़ करते थे। पहले के 4G डिवाइस थोड़े महंगे आते थे, लेकिन अभी चलते हम 4G भी इतने ही रेंज में खरीद सकते हैं। वैसे ही 5G जब नया नया आएगा तब उसकी स्मार्टफोन की प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आगे चलते चलते वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो इंडिया में 5G कब आएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और मुझे नहीं लगता कि 2020 में या 21 में भी 5G इंडिया में आएगा। 21 के लास्ट में आ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि 5G अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, ऑलरेडी दूसरी कंट्रियों में 5G अवेलेबल है। क्वालकॉम की साइट के मुताबिक 35 जैसी कंट्रियों में 5G काम कर रहा है, यूजर्स भी उसके हैं, उसके लिए रिचार्ज अलग से करवाते हैं और वो यूज़ करते हैं 5G को। लेकिन उसमें अभी भी हाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है उन लोगों को, स्पीड ले लो या फिर कवरेज में ले लो, क्योंकि 5G का सबसे बड़ी कमजोरी है कवरेज। 5G स्पीड आपको ज़्यादा देगा, नेटवर्क पे कनेक्ट भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी रेंज है वो थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी। इससे आपको बहुत सारे नेटवर्क ऐसे लगाने की जरूरत पड़ेगी और इस समय मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया में भी ऐसा ही कुछ एस्टेब्लिश करना, क्योंकि बाहर की कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो लोगों को इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। लेकिन इंडिया में अभी हम डेवलपिंग नेशन में, इसलिए थोड़ा सा आने में देर होगी, लेकिन आएगा तो जरूर। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपके 5G के रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उसके आंसर मैंने एक वीडियो में दे दिए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में हो तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।